बात करते हैं कल आजमगढ़ और आजम के गढ़ में कैसे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। क्या सपा का वजूद खत्म होने की कगार पर है? क्या सपा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी? ऐसे कई सवाल हैं जो उपचुनाव रिजल्ट के बाद उठने लगे हैं, क्योंकि इस रणनीति से सिर्फ और सिर्फ हार का ही मुंह देखना होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2024 के लिए सपा की राहें कांटों भरी हुई हैं। यूपी लोकसभा उपचुनाव का परिणाम सपा के लिए न केवल चेतावनी है बल्कि गंभीर चुनौती भी है, और ये चुनौती दोहरी है। एक तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और दूसरा गठबंधन में बिखराव को लेकर। दरअसल 2017 में अखिलेश के यूपी की गद्दी से उतरते ही मानो सपा के बुरे दिन शुरू हो गए। संगठन में बिखराव और मुलायम परिवार में दरार ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। उपचुनाव के नतीजों ने सपा को खोखला कर दिया है। अब सवाल यही है कि आखिर सपा 2024 चुनाव कैसे लड़ेगी, क्योंकि सपा का संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे, सपा के सहयोगी साथ छोड़ रहे, चाचा शिवपाल और अंकल आजम नाराज हैं, MY समीकरण पूरी तरह से बिखर गया है, लगातार चुनाव हारने से कार्यकर्ताओं में निराशा है। सपा के सहयोगी अखिलेश को नसीहत दे रहे, हार के बावजूद अखिलेश जमीन पर नजर नहीं आ रहे, संगठन मजबूत करने के बदले सेफ सीट तलाशते हैं। आजमगढ़ और रामपुर में हुई सपा की हार पर अब अखिलेश यादव को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां एक तरफ इस हार के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं में निराशा है, तो वहीं सहयोगी दल ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव कब अपने कमरे से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इस हार के बाद अब चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं और अब बारी 2024 लोकसभा चुनाव की है। ऐसे में सपा के लिए 2024 की राह अब कठिन हो गई है। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि उपचुनाव के नतीजे सपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जिसका आधार उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य प्रदेश में नहीं है, और यहीं पे दो लोकसभा सीटों के चुनाव हो रहे थे, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को प्रचार तक करने का समय नहीं मिला और इन दोनों लोकसभा सीटों पर कहीं वो प्रचार करने नहीं गए। तो अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, अगर पार्टी को जिताने के अभियान में प्रचार में भी नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पर नेतृत्व में सवाल उठेंगे, और उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा सवाल है। अपने ही गढ़ में हारना सपा के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अखिलेश पर उठ रहे लगातार सवाल भी पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। सपा को हार की जिम्मेदारी तय करनी होगी। राजनीतिक पंडितों की माने तो सपा को एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।